हेलो स्टूडेंट, गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम रेडियोग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स बात करने जा रहे हैं जो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द विलियम कोनार्ड रॉन्टजेन डिस्कवर एक्सरे ऑन 8 नवंबर 1895। सेकेंड है, द एक्सरे एंड गामा रे आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बना होता है एक्सरे और गामा रेडिएशन। कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे टेक्निक यूज टू टेस्ट वेरियस क्रॉस सेक्शनल स्लाइसिस। वेरियस क्रॉस सेक्शनल स्लाइसिस इमेज का उपयोग करता है कौन? कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं सीटी स्कैन। फोर्थ है, कोलीमीटर्स आर यूज टू रिड्यूस द रेडिएशन बीम टू स्प्रेड। रेडिएशन बीम को स्प्रेड होने से कोलीमीटर बचाता है। द इनर इन्वेलप ऑफ एक्सरे ट्यूब इज यूजली मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास। इनर इन्वेलप किससे बना होता है? पायरेक्स ग्लास से बना होता है, पायरेक्स ग्लास से बना होता है। द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एटम्स ऑफ द एनोड 1% एक्सरे एंड 99% हीट जनरेटेड। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है एनोड तरफ, तो कैथोड और एनोड के बीच में बम्बार्डमेंट होता है और उसमें 1% एक्सरे जनरेट होता है, 99% हीट जनरेट होता है। एब्जॉर्ब डोज मेजर्ड बाय TLD। एब्जॉर्ब डोज TLD के द्वारा मेजर किया जाता है। द इफेक्टिव क्वालिटी ऑफ एक्सरे इज KBP और MAS। एक्सरे का क्वालिटी KBP और MS के द्वारा जांचा जाता है। 9 नंबर देखते हैं, द TLD कार्ड्स आर सेंड टू अल्ट्राटेक लैब फॉर देयर एनालिसिस। TLD कार्ड का रीडिंग के लिए अल्ट्राटेक लैब भेजा जाता है। 10th, द लेड मेटेरियल इज यूज फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन। लेड मेटेरियल का उपयोग किया जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन से, यानी रेडिएशन से बचने के लिए। 11, एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट ऑफ ऑक्यूपेशनली एक्सपोज वर्कर इन रेडियोलॉजी इज 20 मिलीसीवेट। 20 मिलीसीवेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशनल वर्कर को। 12, ए स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव सोर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस गामा रेज एट सेम एनर्जी लेवल। रेडियो एक्टिविटी सोर्स में गामा रे हमेशा सेम एनर्जी लेवल पर प्रोड्यूस होता है। 13, द इमेज फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड कॉमनली इन डिजिटल फॉर्मेट इज डायकॉम व्यूअर। डिजिटल मेडिकल इमेजिंग में जो फाइल का उपयोग किया जाते हैं, जिसका नाम क्या है? डायकॉम व्यूअर्स। द 14, द 3 मेजर प्रिंसिपल्स असिस्टिंग द अलारा प्रिंसिपल इज टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग। अलारा प्रिंसिपल डिपेंड करता है टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग, द 3 मेजर प्रिंसिपल। 15, द टर्म अलारा स्टैंड फॉर, अलारा का फुल फॉर्म क्या होता है? एज लॉ इज रीजनेबली अचीवेबल। 16, प्रॉपर यूज ऑफ PPE। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू हेल्प इन रिड्यूसिंग इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर। PPE का उपयोग कर इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर से बचा जा सकता है, जस्ट लाइक यूज ऑफ लेड ग्लास शील्ड, लेड एप्रन, गोनार्ड शील्ड एंड थायराइड शील्ड। इन सभी का उपयोग करके आप इंटरनल रेडिएशन से बचा जा सकता है, जिसको हम PPE बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 17 है, इन ए रेडियोग्राफी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीड्यूर दैट इज यूजली डन वंस इन ए ईयर। रेडियोग्राफी में क्वालिटी कंट्रोल का जांच ईयर में वन टाइम होता है, जिस जांच को क्या बोलते हैं? सेफ लाइट टेस्ट बोला जाता है। 18, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। 19, गीगर काउंटर डिटेक्ट द न्यूक्लियर इमिशन। गीगर काउंटर जो होता है, किसका जांच करता है? न्यूक्लियर इमिशन का। 20, शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोसेंसिटिव वेव आर एक्सरे।
एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है शॉर्ट वेवलेंथ होता है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो सेंसिटिव वेव। 21 द फोटो सेंसिटिव लेयर इन द फिल्म इज मेड ऑफ सिल्वर हैलाइड। फिल्म में जो फोटो सेंसिटिव लेयर होता है जो सिल्वर हैलाइड का बना होता है जिसको क्या बोलते हैं HgCl। 22 द नॉर्मल टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फॉरनहाइट में क्या बोलते हैं 98.6 डिग्री फॉरनहाइट। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन द स्टील। साउंड जो ट्रेवल होता है उसे फास्टेस्ट होता है किस में स्टील में। 24 द मेन सोर्स ऑफ हीट इज सन। सन मीन्स क्या होता है सूर्य। हीट का मेन सोर्स क्या होता है सूर्य का किरण। 25 कैथोड रे आर यूज टू आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। ए हाइग्रोमीटर इज यूज इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए किसका यूज जाता है हाइग्रोमीटर का। 27 एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। 28 द पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ एन एक्सरे बीम इज गवर्न बाय वेवलेंथ। एक्सरे बीम का पेनिट्रेटिंग एबिलिटी डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। पेनिट्रेटिंग मतलब भेदन क्षमता। 29 इन फिल्म रेडियोग्राफी पेनिट्रोमीटर आर यूज्ड प्लेस ऑन द सोर्स साइड ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं उसके सोर्स साइड में पेनिट्रोमीटर लगाकर जांच किया जाता है। KeV स्टैंड फॉर किलो एनर्जी वोल्ट। थर्टी वन द टू मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ एक्सेसिवली हाई डेंसिटी रेडियोग्राफ्स आर ओवर एक्सपोज एंड ओवर डेवलप। मैनुअल एक्सरे में ओवर एक्सपोज और ओवर डेवलप होने से रेडियोग्राफिक फिल्म में हाई डेंसिटी दिखता है। 32 मास इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। एक्सरे का प्रॉपर्टी मास नहीं है यानी मास पर एक्सरे डिपेंड नहीं करता है। 33 HbHr means Röntgen per hour. 34 The dark room should have three types illumination. Dark room में तीन तरह का illumination होता है यानी colors होता है। 35 In X-ray developing temperature 20 to 22 degree Celsius, Fahrenheit में 68 to 72 degree Fahrenheit and time होता है 5 minute. डेवलपिंग टाइम। रिंसिंग टाइम 30 सेकेंड। फिक्सेशन टेम्परेचर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम होता है 2 to 3 मिनट्स। वॉशिंग टाइम कितना होता है 5 मिनट्स और ड्राइंग टेम्परेचर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस। RGU का फुल फॉर्म क्या आता है रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम एक्सरे प्रोसीड्यूर टू स्टडी यूरेथ्रा। RGU एक एक्सरे प्रोसीड्यूर है जो यूरेथ्रा को देखने के लिए किया जाता है। MCU मैक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम एक्सरे प्रोसीड्यूर टू स्टडी एनी एबनॉर्मलिटी इन द ब्लाडर नेक या फिर नेरोविंग यूरेथ्रा। ब्लाडर नेक में कोई एबनॉर्मलिटी या फिर नेरोविंग है तो उसे देखने के लिए MCU किया जाता है मैक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। 42 द फंक्शन ऑफ द ग्रिड इज टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। ग्रिड का उपयोग होता है स्कैटर रेडिएशन को कम करना। MRI स्टैंड फॉर MRI का फुल फॉर्म क्या होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। 44 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर इन टेस्ला। टेस्ला में मेजर किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। 45 CT स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। CT स्कैन को केट स्कैन ही बोलते हैं और केट स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। 47 CT स्कैन इन्वेंटेड बाय गॉड फ्री हंसफील्ड इन 1972। 48 इन MRI
आईवी कंट्रास्ट मीडियम यूज GDDTPA, इसका फुल फॉर्म था है गैडोलिनियम डाईथाइल ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। फोर्टी नाइन, नॉर्मली आई वी कंट्रास्ट मीडियम डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर सच एज कोराइड प्लेक्सस पिट्यूटरी स्टाक एंड नजल म्यूकोसा, ये तीन चीज को हाईलाइट नहीं कर सकता है कंट्रास्ट, आई वी कंट्रास्ट जो हमारा है में देते हैं। फिफ्टी, आर एफ का फुल फॉर्म क्या आता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट इज यूज टू एक्साइट हाइड्रोजन प्रोटोन इन द बॉडी टिश्यू ड्यूरिंग MRI। MRI में हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन प्रोटोन जो होता है उसको एक्साइट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। 51, MRCP स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रीटोग्राफी। MRCP का फुल फॉर्म क्या आता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रीटोग्राफी दैट डिटेल्स द इमेज ऑफ हेप्टोबिलियरी एंड पेनक्रेटिक सिस्टम इंक्लूडिंग द लीवर गॉल ब्लडर बाइल डक्ट्स पेनक्रियाज एंड पेनक्रेटिक डक्ट का डिटेल इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, MRCP इन MRI। तो इस तरह से हम देखें 51 वन लाइनर क्वेश्चन, और हमें आशा है कि आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन गुड स्टडी।